रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। वैकल्पिक शिक्षा पर प्रगति नहीं होने पर प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने नाराजगी जताई और डीईओ को हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि लोक शिक्षण संचालक ने प्रवेश के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोरोना संकट की वजह से स्कूल बंद है लेकिन एक एक बच्चे को किताबें मिलनी चाहिए, इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को भी मौका दिया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक गांव में हमको ये स्कूल संचालित करने हैं और अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अतिथि शिक्षक जो आपके हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछली बार हमने भर्ती किए थे लगभग 2200 हैं, उनको भी अलाउ कर रहे हैं। वो भी गांव में जाकर के कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई कराएंगे, ट्रेनिंग हम लोग उनको दे देंगे और उनको जिस दिन वो पढ़ाई कराएंगे उस दिन का उनको भुगतान भी होगा पैसे का।